कपास में बड़ी समस्या ये गुलाबी सुंडी की है। गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। अभी नॉर्थ इंडिया के रिपोर्ट्स आ रहे हैं सर, बहुत सारा डैमेज गुलाबी सुंडी में करने के कारण उसका उपज कम हो गया और क्वालिटी भी खराब हो गई कपास। हमारे महाराष्ट्र में भी करीबन 44 लाख हेक्टेयर एरिया कॉटन का, और करीबन 2012-13 से ये किंगवर्म जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप नजर आया। कृषि विभाग ने काफ़ी अच्छा काम किया, प्राइवेट कंपनीज जैनी कृषि के साथ में हम लोगों ने कॉटन किंग बल्ब इरीगेशन का मैनेजमेंट का मैसिव प्रोग्राम एग्रेसिव प्रोग्राम किया था। ये पीपी नॉट टेक्नोलॉजी है, इसके ये गुलाबी सुंडी नज़र नहीं आती सर। इसकी इल्ली जो है ना, जैसे कि चना के ऊपर इल्ली आती है, सनफ्लावर में आता है, मक्का में आती है, वो नज़र आती है, लेकिन कपास में जो गुलाबी सुंडी है वो नज़र आती ही नहीं। वो नज़र नहीं आने का कारण इसमें लगातार छिड़काव करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए इसका जो मेल एंड फीमेल का जो मेटिंग जो है उसको यदि डिस्टर्ब करते हैं ना, तो लाइफ साइकिल जनरेशन तैयार नहीं होगी। तो ये पेस्टिसाइड इंडिया करके कंपनी है राजस्थान की, उनका फाउंडेशन है, इनके माध्यम से ये टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं। ये जापनीज टेक्नोलॉजी है पीपी नॉट, ये टेक्नोलॉजी इंडियन नहीं है, जापनीज टेक्नोलॉजी। इसमें ये जो है इसमें एक एल्यूमिनियम का ये है मेटल है, ये एल्यूमिनियम का, और ये जो है इसमें फेरोमोन भरा हुआ है, इसमें फेरोमोन भरा हुआ है, और ये ग्रेजुअली रिलीज होता है। ये ग्रेजुअली रिलीज होता है, ये और ग्रेजुअली रिलीज होने के कारण जो इसमें ये फेरोमोन, मतलब ये फीमेल का सेक्स है, तो मेल को लगता है कि ये यहाँ पे फीमेल है तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन मेटिंग नहीं होता है। तो एक लिंग नहीं होगा तो बिल्ली भी बाहर नहीं आएगी, तो जनरेशन नहीं होगा, तो आगे चल के आने वाला जो नुकसान जो है वो कम हो सकता है। और यहाँ पर ये इफेक्टिव है काफी, बहुत अच्छा इफेक्टिव है ये, बहुत लोग। ये कितना कॉस्ट पड़ता है इसका? ये अभी तक सर ये तो ट्रायल बेसिस हम लोग ने किया, पहला प्रयोग है, करीबन 6-7 हज़ार तक खर्चा आएगा, आ रहा है अभी। एक एकड़ ये तो फ्री दिया है हम लोग, एक एकड़ हाँ ये फ्री दिया है। तो ये जल्दी इसका प्रमोशन लार्ज स्केल पे हो जाएगा, तो ये इसका इफेक्टिवनेस कितना है? करीबन ये क्रॉप्स खत्म हो जाएगा तब तक चलेगा सर। नहीं, बट आज के डेट में आपने जो बोला कि जो क्लेम किया कि इसमें पॉपुलेशन कम हो जाता है जी, तो कितना परसेंटेज कम होता है, पूरा कम हो जाता है सर? ये इसमें तो हमको गुलाबी सुंडी का प्रकोप नजर ही नहीं आ रहा, मतलब 100% कवर हो गया आज। अच्छा, तो आपने हर झाड़ पे एक एक लगा दिया? नहीं सर, ये इसमें लगाने का तरीका ये है कि पहला जो फील्ड है, फील्ड का पहला जो प्लांट है हर जगह पे, उस पर हर प्लांट को लगाया हुआ है, और खेत के अंदर 15x15 पे लगाया है। Okay. 15x15 फीट पे लगाया। अच्छा, तो इसका एफिकेसी नजर आ रहा है। तो इसका कंट्रोल भी हमने बाजू में रखा हुआ है, तो कंट्रोल में नजर आ रहा है पिंक बॉलम, और जो ट्रीटेड है उसमें पिंक बॉलम नजर नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। जो इसमें हमने फेरोमोन ट्रैप लगाया जो है, ये फेरोमोन ट्रैप नहीं बोलेंगे, इसको सीसीटीवी बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें मौत नजर आते हैं। मौत यदि नजर आए तो 7-8 मौत आए तो हम लोग स्प्रेइंग का रिकमेंडेशन करते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पर जानकारी दूंगा मैं। तो इसमें मौत आ गए तो आपको कंट्रोल करना जरूरी है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। तो इससे पेस्टिसाइड का भी खर्चा कम हो जाएगा, और जो क्वालिटी कपास की जो है वो बेहतर रहेगी। इसको प्रमोट अगले साल करना चाहिए? बिल्कुल सर, इसके लार्ज स्केल पर हम लोग करेंगे।